दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से साइज़ का स्पेसर बार यूज़ करना चाहिए और उसको कहां पर यूज़ करना चाहिए। तो जनरली ये बीम में हम यूज़ करते हैं स्पेसर बार। तो जब भी आपका रिइंफोर्समेंट डबल लेयर में आता है, जैसे कि आप इस बीम में यहाँ पर देख सकते हो, ये टॉप बार में यहाँ पर डबल लेयर दिया है। सिमिलरली जो नीचे आप देख सकते हो बॉटम स्टील जो है, वहाँ पर भी डबल लेयर दिया गया है। तो क्या होता है कि हमें ये ध्यान देना होता है कि कभी भी दोनों के बीच में गैप मेंटेन रहना चाहिए। या तो आप उसका बंडल कर सकते हो, मतलब दोनों को बाइंडिंग वायर से बांध सकते हो, अगर आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने उस तरह की परमिशन आपको दिया है। नहीं तो अगर नहीं दिया है तो आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि जो स्पेसर बार आप यूज़ करते हो, जो ये मैंने यहाँ पर डाला है बीच में, और वहाँ पर आप देख सकते हो नीचे बीच में दोनों के गैप क्रिएट करने डाला है, वो एटलीस्ट मिनिमम 20 mm का रहना चाहिए। ठीक है, 20 mm का क्यों? क्योंकि कंक्रीट के अंदर आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है वो 20 mm का होता है, तो वो इस गैप के बीच में से पास हो जाना चाहिए। उस हिसाब से हमें एटलीस्ट मिनिमम 20 mm का स्पेसर बार यूज़ करना चाहिए। चाहे आपका स्टील 10 mm का क्यों ना हो, या फिर वो 16 mm का क्यों ना हो, या ना 20 mm का क्यों ना हो, ठीक है, तो 20 mm का मिनिमम आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में आपको इसके बारे में डाउट क्लियर हो जाएगी। तो अगली बार जब भी आप चेकिंग करोगे ऐसे डबल लेयर में स्टील का, तो हमेशा आपको ये देखना है कि जो फिटर है उसने एटलीस्ट मिनिमम 20 mm का स्पेसर बार यूज़ किया है या नहीं किया है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।